हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यार 185/20 क्लैट 2024 की रुचि शर्मा से कि कैसे इन्हें अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी और कुछ कुछ बातें करेंगे जनरली कि आगे हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। अराउंड 4 मंथ्स बचे हुए हैं क्लैट को लेके, तो लोग कैसे करेंगे, उनको कैसे आगे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अपनी पर्सोना को और बाकी कैसे प्रोसीड करना है। तो रुचि, पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि आपने कैसे, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, लाइक आप अप्रोच कैसे करने वाली थी क्लैट 2024 को, आपके अंदर क्या क्वेश्चंस थे कि मैं ये कर सकती हूँ, कुछ मैं ऐसे एक्स्ट्रा कर सकती हूँ, तो अगर आप बताना चाहें तो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मेरे लिए थी, जो कि विच वाज अ लिटिल बिट इजियर फॉर मी, वाज दैट माय ग्रास्प इन इंग्लिश वाज ऑलरेडी लाइक मेड, आई हैड अ फाउंडेशन ऑलरेडी। मैं 11 साल की उम्र से लाइक आई बीन रीडिंग नॉवेल्स एंड स्टफ, तो आई बीन रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो उसकी मुझे ऑलरेडी आदत थी। तो लाइक इंग्लिश में यू नीड टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड यू नीड टू हैव सम प्रोफिशिएंसी नॉट जस्ट इन स्पीकिंग बट स्पेशली इन रीडिंग इट। तो दैट वाज समथिंग दैट आई ऑलरेडी हैड। तो ऐसा नहीं था कि मुझे बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। बट ऑल्सो जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि इवन इफ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू कैन। अगर तुम्हें इंग्लिश की ग्रास्प नहीं भी है तो भी एट अ सर्टेन लेवल, जितनी आपकी सर्टेन एक्सटेंट की है इंग्लिश, वहां से आप बिल्डअप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो बिकॉज ऑफ दैट लाइक इट वाज अ लिटिल बिट इजियर बिकॉज ऑल द सब्जेक्ट्स रिक्वायर यू टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। एंड अदर देन दैट मैथ्स के लिए ऑल्सो लाइक माई मैथ्स वॉज गुड टिल 10th एंड आई हैड मैथ्स इन 11th एंड 12th, ऑल्दो वो बहुत डिफरेंट होती है, बट स्टिल लाइक क्योंकि मेरा टच में था उस सब्जेक्ट से, तो लाइक आई वॉज नॉट वेरी नर्वस अबाउट दैट ऑल्सो। बस एक जीके वॉज समथिंग विच आई वॉज अ लिटिल बिट रिलक्टेंट अबाउट, क्योंकि मेरी जीके कभी भी अच्छी नहीं रही है, तो आई वॉज नॉट श्योर हाउ वेल आई वुड डू देयर। पर अल्टीमेटली इट्स लाइक आप एक बार कोर्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, आपको एक बार सिलेबस आना शुरू हो जाता है, एक बार आपके पास मंथली मैगजीन्स आनी शुरू हो जाती है, डेली न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप यू गेट यूज टू इट, दैट नॉलेज गेट स्टोर्ड इन योर ब्रेन। अभी भी इतने सारे फैक्ट्स हैं, रैंडम फैक्ट्स जो कि मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है, जो प्रिपरेशन के टाइम पे कभी पढ़े थे, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग लाइक एक बार आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड वे आ जाती है करने की चीज़ें की, तो यू कैन डू इट आफ्टर दैट। तो माय इनिशियल स्ट्रेटजी वाज दैट आई जॉइंड एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को खुद से स्केड्यूल नहीं बनाना पड़ा ज्यादा हद तक, मेरे को खुद से चीजें हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रेफरेंस बुक्स नहीं ढूंढनी पड़ी, एवरीथिंग दे सेंट ओवर, ठीक है, एंड देन वी हैड क्लासेस। तो स्ट्रेटजी तो मेरी मोस्टली उसी से बन गई थी, बट फ्रॉम माय ओन साइड इट वाज लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर्स ऑब्वियसली डेली, और थोड़ा बहुत वही आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना और वो सारी चीजें जो थी, दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैड टू पुट इन माय सेल्फ। ओके, तो दोस्तों मैं एक चीज यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं, लाइक दैट वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी चैनल, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी इंस्टीट्यूट। व्हाट शी प्रिपेयर फ्रॉम देम, व्हाट आई प्रिपेयर फॉर माय स्टडीज, दे विल बी डिफरेंट, तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। या ऑब्वियसली व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू। मेरा ऑनलाइन भी था, पीपल प्रेफर टू गो टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट मेरा ऑनलाइन था, तो दैट इज समथिंग लाइक दैट इज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन बेसिस एंड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट बेसिस। आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे को खुद से स्ट्रक्चर्ड वे नहीं बनानी पड़ी खुद से, बिकॉज आई हैड हेल्प ऑलरेडी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। अच्छा, तो लाइक हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग को लेके, तो हाउ डिड यू अप्रोच दैट पर्टिकुलर सेक्शन, लाइक people are not able to score even 5 marks out of 25. Critical reasoning actually initially mera bhi kafi kharab tha. Okay. Kyunki that is something like inference ho gaya, conclusion ho gaya. These are things jinke tumhe meaning pata honge, but jab tum un questions ko encounter karoge na, tab tum ekdam se realize hoga ki तुम्हें मीनिंग्स इतने अच्छे से भी नहीं पता जितना तुम्हें लगता है, ठीक है। तो लाइक दैट सब्जेक्ट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी न्यू फॉर मी, दैट वाज नॉट समथिंग आई एक्सपेक्टेड। मुझे लगा था कि क्रिटिकल रीजनिंग भी, क्योंकि क्लैट में जैसा आता है, एलिट में नहीं बट क्लैट में जैसा आता है, वो आई थॉट कि क्रिटिकल रीजनिंग भी वैसा ही होगा जैसा इंग्लिश का पोर्शन होता है एक तरीके से, मतलब कुछ कुछ हद तक उतना ही होगा, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से करना होगा, बट नहीं आई हैड टू लाइक एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इट एंड स्टफ। तो क्रिटिकल रीजनिंग में व्हाट आई डिड वाज लाइक मैंने सारी मीनिंग्स बहुत अच्छे से समझे मैंने सारी चीजों के। ऑल्सो क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत हद तक यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज एज अ होल, ठीक है। तो लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें हर चीज का मतलब पता हो उसमें, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी डिफिकल्ट वर्ड पे अटक जाते हैं या किसी सेंटेंस पे अटक जाते हैं कि इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको एज अ होल पूरा पैराग्राफ समझ में आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इट्स आस्किंग यू
एज अ होल ओनली कि क्या कहते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये क्या पैराग्राफ के मेन थीम से मैच कर रही है या नहीं कर रही है एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो इन सब के लिए मोस्टली यू नीड टू हैव अ लाइक अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल पैसेज. टॉक टू बेटर मत कोच. हाँ, तो वो आप धीरे 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 सीख जाते हो जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हो. व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज मैं जब एडिटोरियल्स पढ़ती थी द हिंदू के तो मैं उसके कंक्लूजन और थीम और सेंट्रल टॉपिक जो है वो सब लिखना शुरू कर देती थी. एंड इस तरीके से टाइटल जो दे रखा है उसके अलावा उसका क्या टाइटल हो सकता है वो चीज लिख लेती थी. तो दैट इज समथिंग विच आई वर्कड ऑन. लाइक उस तरीके से मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को अप्रोच किया था. अच्छा, लाइक आपने द हिंदू से थोड़ी प्रिपरेशन करी right. और इसके अलावा कुछ आपको सोर्सेस होंगे लॉ प्रेप से, आपने उससे तैयारी करी. और अपार्ट लाइक हमारा क्या था, मैंने जब पहली बार करा था तो मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी जो बहुत ही ठीक थे. तो अब मेरा क्या सीन था, लाइक मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था. देन आई हैव ट्राइड समथिंग एल्स, तो मैंने ड्रॉप लिया. उसके बाद हम तैयार हुए कि चलो सीआर नगेट्स करते हैं. एक आज लॉन्चर का था, उसके बाद हमने आर एस अग्रवाल करी. उसके बाद न्यूज़पेपर से शुरू करे, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था मैं right. पहले द हिंदू पढ़ा, उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट हुआ क्योंकि आई बिलीव कि इंडियन एक्सप्रेस मुझे सही लगा. हाँ, वो जिसको ऑब्वियसली जिसको जो सूट कर रहा है. आई लाइक द हिंदू बट आई नो पीपल हु हैव स्टडीड फ्रॉम लाइक डिफरेंट सोर्सेज. अब मुझे ये बताइए आप कि एक न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जांपल लेके. न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लाइक आई वाज टोल्ड टू मेक पर्सनल नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एज वेल व्हिच आई डिड नॉट क्योंकि मुझे पता था कि मैं उनको नहीं पढ़ूंगी अल्टीमेटली जाके. एवरी सिंगल डे यू आर मेकिंग नोट्स, देयर इज नो वे यू आर रीडिंग देम लेटर ऑन. ठीक है, तो वो मैं नहीं कर पाई थी. मैंने कोशिश की थी बट मैं नहीं कर पाई थी. बट रीडिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं कभी कभी. जरूरी नहीं है कि वही आएगा जो हॉट टॉपिक रहा है पूरे साल. इट कुड बी अ वेरी लिटिल थिंग लाइक जैसे कि देर वॉज द ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ था. बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो वाला ट्रेन एक्सीडेंट आए. अ ट्रेन एक्सीडेंट इज इन द न्यूज, तो कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट आ सकता है. विच वॉज मे नॉट हैपन दैट बिग ऑफ अ टॉपिक बट इट डिड हैपन. इस तरीके से तो ये मिसलेनियस टॉपिक भले आपको याद ना हो बट एटलीस्ट इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर आपको यू विल हैव एन इंक्लिंग ऑफ लाइक व्हाट इट वाज अबाउट. यू विल एक्चुअली नो व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो आप जैसे मंथली मैगजीन्स हो गई किसी भी इंस्टीट्यूट की या कहीं का भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो सारे टॉपिक्स नहीं कवर कर सकता. बट न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो आपके बहुत हद तक सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर होते रहेंगे. और प्लस एडिटोरियल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो मैंने बोला कि जैसे जिनकी फाउंडेशन नहीं होती ऑलरेडी उनके लिए एडिटोरियल्स और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां से यू गेट टू दैट इन्फ्लुएंस वाली चीज, इंग्लिश के पैसेजेस समझने वाली चीज एंड ऑल ऑफ दैट. तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा. क्यों पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है. ना, तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा, हम इंग्लिश को कवर करेंगे कि कैसे एक जो इंडिविजुअल लाइक बहुत सारे लोग होते हैं उनके लिए और जो गाँव से भी होते हैं तो वो इंग्लिश को ऐसा बेस नहीं बना पाते हैं तो वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं. अगर आप बताना चाहो कि मतलब स्टार्टिंग से कुछ ट्राई करके न्यूज़पेपर के जरिए या कुछ बुक्स आप रिकमेंड करो कि अभी स्टार्ट करें और 4 मंथ्स में जैसे कवर हो सके. 4 मंथ्स पूरा इंग्लिश को वो करने के लिए तो आई वुड नॉट से इट्स इनफ. लाइक आई एम टेलिंग यू कि मैं 11 साल की उम्र से बुक पढ़ रही थी. उसके बावजूद when I started preparing for CLAT, I realized there is still a lot of work that I need to do on my English. ठीक है, क्योंकि as a reader ये चीज़ बहुत common होती है. When you read, there are words whose meaning you don't know, but you know their meaning in context. कि उस sentence में उसका क्या मतलब है, that I know, but उस word का क्या मतलब है, I have no idea. Okay.
मिलके छोड़ने आते हैं और वहाँ पे लाइक देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउटसाइड द लाइक आउटसाइड द सेंटर एंड देन उनके सेंटर वाज इट वाज ILLM सम गुड़गांव कॉलेज इट वाज अ लॉ कॉलेज ओनली गुड़गांव का प्राइवेट लॉ कॉलेज था तो दैट वाज द सेंटर एंड लाइक इतने सारे तो वहाँ पे बच्चे होते हैं फिर उन बच्चों के माँ बाप होते हैं ठीक है कुछ के दादा दादी भी होते हैं ठीक है ताऊजी ताईजी भी होते हैं इट्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड देन यू थिंक दीज आर माय कॉम्पिटिटर्स ठीक है एंड ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज लाइक आई हैडन्ट इवन गिवन माय बोर्ड्स देन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज गिविंग समथिंग दैट बिग एंड ऑल्सो इट्स लाइक क्या कहते हैं आदत तो आपको बिल्कुल होती नहीं है उस प्रेशर की बट लाइक आई वेंट इन आई सैट डाउन इट वाज अ गुड कॉलेज इट वाज लाइक अच्छा था ऐसे मैं कोई वो नहीं कर सकती कि बेंचेस अच्छी नहीं थी और कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा रहा था इट वाज अ गुड रेप्यूटेड कॉलेज एंड देन द टीचर्स वर ऑल्सो नॉट लाइक मैं तो देखो डर के मारे ये कंसेप्शन होता है कि वो तो खड़े भी नहीं होने देंगे अपनी सीट से और वट एवर बट दे वर लाइक नाइस नॉर्मल टीचर्स एंड इट वॉज अ गुड प्लेस ऑफ इट देखो टाइम इतना होता नहीं है क्लैट में कि आप कुछ सोच सको पेपर हाथ में आने के बाद तो वो पेपर ही होता है जो आपका होता है पहले तो शीट फाड़ो उसमें आपको आधा मिनट लगेगा वो तो एक तो आई एम द काइंड ऑफ स्टूडेंट जो कि पेपर में बैठ के रिडिकुलस क्वेश्चंस नहीं पूछ रही होती है कि मैम ये वाली पेंसिल यूज कर सकते हैं क्या मैम अभी टियर कर सकते हैं या 5 मिनट बाद टियर करना है तो वो मैं होती हूँ क्योंकि आई एम सो नर्वस आई डोंट वांट टू वायलेट एनी लॉज ठीक है ना आई डोंट वांट टू बी लाइक कि भाई ये चीज कर दी और मेरे को डांट पड़ रही है इसके लिए बिकॉज दैट फिर रुइंस योर होल व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू देयर तो मैं पूछ लेती हूँ ऐसे बकवास सवाल भी ठीक है तो वो शीट आती है तो आपके पास रखी रहती है बहुत टाइम तक तो देयर इज दैट क्वेश्चन कि अच्छा आंसर शीट निकाल सकते हैं क्या या कोई सा पार्ट निकाल सकते हैं क्या मैंने तो रूल्स भी ना ऐसे ऐसे कवर के अंदर से पढ़ लिए थे मैंने उसको भी खोलने की कोशिश नहीं की तो लाइक दैट बट लाइक वंस यू गेट द पेपर 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स इज अ लॉट यू वोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स और तुमने इसी की प्रिपरेशन की इतने टाइम से तो देयर वोंट बी लाइक थॉट्स गोइंग थ्रू योर माइंड और व्हाटएवर लास्ट के 5 मिनट में होते हैं लास्ट के 5 मिनट में यू आर लाइक कि शुड आई डू दिस और शुड आई डू दैट एम आई लीविंग समथिंग इम्पॉर्टेंट और लाइक वुड दिस मैटर लेटर ऑन बाद में रिग्रेट तो नहीं रह जाएगा कि ये चीज़ पे लगी हुई थी ये चीज़ पे नहीं तो लास्ट के 5 मिनट्स आर लिटिल टफ बट उसके लिए भी आई वुड रिकमेंड कि लाइक पुट दोज थॉट्स इन द बैक ऑफ योर लाइक माइंड एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पेपर और उस टाइम तक तो यू गेट यूज टू इट क्योंकि एक प्रोसेस बन जाता है आपका इतने सारे मॉक्स दे के आते हो आई गेव लाइक इट वॉज नॉट अ लॉट बट आई गेव लाइक 75+ मॉक्स So that's a lot in the sense ki you get used to the process of sitting for 2 hours and just giving the exam. So at that point it won't matter much. Pehle thode se nerves honge, pani wani pi lena ho jata hai. Hamara different tha. CLAT 2022 samne baithe hue hain, hansi aa rahi hai. Paper hoga nahi hoga. Bhai 30 number aaye the mocks mein. Kya kare? Theek hai, CLAT 2023 gaya, sufficient gaya. 104 aate the mocks pe to it was like theek hai, ho jayega. To agla question hai. मैंने असल में इस क्वेश्चन को बीच में लाया थोड़ा सा इंटरेस्ट और बने और जो मेरा अगला क्वेश्चन है लाइक आप जीके को कैसे काउंटर करोगे जीके को देखो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स एक चीज तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट ठीक है वो तुम्हारी डेली न्यूज को कवर करके रखेगा एंड द बेस्ट थिंग इज बहुत सारी न्यूज होंगी जो कि रोज न्यूज़पेपर में आ रही होंगी दोज आर द वंस यू कैन ईयर मार्क दीज आर इंपॉर्टेंट ठीक है और बहुत सारी ऐसी होंगी जो कि आपकी क्लासेस में नहीं डिस्कस हो रही होंगी बहुत सारी ऐसी होंगी जो कि कहीं पे भी डिस्कस नहीं हो रही होंगी बट दे विल बी डिस्कस्ड इन द न्यूज़पेपर एंड मे बी मल्टीपल टाइम्स इन द न्यूज़पेपर सो यू गेट टू नो कि ओके मे बी दिस इज नॉट गेटिंग कवर्ड बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ठीक है तो न्यूज़पेपर इज अ बिग पार्ट ऑफ इट देन आफ्टर दैट आई वुड से लाइक आई हैड मंथली मैगजीन्स एंड यू कैन गेट मंथली मैगजीन्स ऑफ लाइक एनी इंस्टीट्यूट किसी ना किसी की तो बट हाँ ये जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करवाते हैं ना उनकी मंथली मैगजीन्स प्लीज मत लेना दैट वाज अ बिग नो नो बिकॉज उनका फोकस इज वेरी डिफरेंट आर फोकस इज वेरी डिफरेंट तो दे विल नॉट हेल्प यू अल्टीमेटली तो यू नीड टू हैव लाइक मंथली मैगजीन्स ऑफ अ लॉ इंस्टीट्यूट ओनली विच इज लाइक प्रिपेयरिंग यू फॉर क्लैट ठीक है एंड अदर देन दैट आई वुड से लाइक everyday classes if you've joined an institute everyday classes that way or like online bhi bahut sare teachers hai jo ki aapko roz classes lete hain aise youtube pe you can get a lot of teachers theek hai to malpani sir ka to bol hi sakti hu apne alumni hai alumni jodhpur batch hai theek hai aur nahi to apne senior hai to malpani sir ki videos you can watch they all he also has like
everyday classes. I used to attend his classes also apart from the ones from my institute, just in case like I miss something or the, other than that. और उसके अलावा like don't stress it too much. उतने ही sources लो जितने तुम कर पा रहे हो. क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे आके अगर ऐसा हो गया कि तुम्हारे को सिलेबस बहुत सारा दिख रहा है पर तुमसे कवर उतना नहीं हो पा रहा है तो दैट इज लाइक डीमोटिवेटिंग एज वेल. ठीक है, फिर अल्टीमेटली यू फील लाइक यू डोंट नो इनफ इवन इफ यू नो अ लॉट. ओके, तो लाइक टेक ओनली, मुझे पता था मेरी जी के साथ अच्छी नहीं है तो मैं उतना ही कर रही थी जितना मैं कर पा रही थी. आई वाज लाइक इतने में हो गया तो हो गया, अदरवाइज तो फिर क्या ही कर सकते हैं. सही बात है. तो इस तरीके से हमारा क्या स्कोप था कि मतलब हम जब स्टार्ट करते प्रिपरेशन वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे. बट लेकिन अभी जब तक लगभग अराउंड 4 or 5 times नया पैटर्न के साथ पेपर आया, थोड़ा सा हम लोग ने उसको चेक किया है कि कैसे प्रोसीड करना रहता है. तो अराउंड जो करंट अफेयर सेक्शन है मेनली वो लास्ट के 6 month बहुत ज्यादा क्रूशियल रहते हैं. उसके पीछे आई डोंट थिंक वो जाता है बट वी शुड कवर. ओके, तो जो लास्ट के 6 months है तो बहुत ज्यादा क्रूशियल रहते हैं. उसमें भी अभी जो लास्ट के 3 years हैं उनमें जो लास्ट के 4 months हैं उनसे ही मेनली 5 passages उठे हैं जितना मैंने देखा हूँ. ठीक है, तो एक तो न्यूज़पेपर हम करते हैं डेली, और जो मैं करता था लाइक जीके टुडे हम उसको फॉलो करते थे बहुत ज्यादा. परचम क्लासेस है, परचम मैम उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं उसको फॉलो करता था. और इसके अलावा आपने जो बोला कि यूपीएससी की स्टडी मटेरियल से नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए. हम लोग दृष्टि वाले हैं तो हम लोग दृष्टि करते थे, ऑल्दो आई बिलीव नहीं करना चाहिए था. ठीक है, कोई बात नहीं. तो मेरा एक दोस्त है, गलतियों से सीखता है इंसान, गलतियों से सीखते हैं, इसलिए तो करंट अफेयर अच्छा नहीं है. है ठीक है, तो मेरा जो दोस्त है वो मेरे को बताया कि उसकी एआर अराउंड 356 है. ठीक है, तो वो बताता है मेरे को, भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ के चला गया, मेरा निकल गया, मैं क्या करूं. मैंने बोला बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा मत करना. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट वर्क्स फॉर अदर पीपल मे नॉट वर्क फॉर यू. ठीक है, खुद का देख के करना कि तुमको कितने की जरूरत है. हाँ. ठीक है, इस तरीके से ऑब्वियसली ये तो देख के चलना है कि तुम्हें कितने की जरूरत है. एक मुझे ये पता था कि आई डिड नॉट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इट, तो मुझे पता था मुझे बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा. बट वन गुड थिंग अबाउट लाइक द वे आई स्टडी इज दैट लाइक आई कैन लर्न थिंग्स क्विकली. कि इफ आई एम पेइंग अटेंशन टू इट, स्पेशली अगर मैंने ध्यान दे रखा है ना उस चीज के ऊपर, तो वो मुझे याद हो जाएगी. जीके मेरी खराब इसलिए थी क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया मैंने. बट जब दिया तो मेरे को खूब इंटरेस्ट भी आया. वी हैड अ वेरी गुड टीचर ऑल्सो, तो लाइक इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास ऑल्सो. एंड लाइक ऑब्वियसली जब तुम पढ़ते हो तुमको बहुत लर्न फील होता है. ठीक है, क्लास में बैठे हुए हो, किसी भी चीज पर डिस्कशन चल रहा है और तुम्हारे पास इनपुट है उस चीज के लिए, वो भी फैक्चुअल डेटा के साथ. मतलब इतना ज्यादा ईगो बूस्ट मिलता है ना उस चीज से. तो आधा तो मैं उसी के लिए पढ़ रही थी कि बिकॉज आई एम अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तो वी रेगुलरली हैड लाइक पॉलिटिकल साइंस में डिस्कशंस चल रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर. ठीक है, और इवन हिस्ट्री का भी काफी हद तक वो होता है. हिस्ट्री में डिस्कशंस चल रहे हैं, हिस्ट्री का तो चलो इतना भी नहीं, जियो में चल रहे हैं. वट एवर इट इज, वेन वी आर डिस्कसिंग दोज थिंग्स, तो आई लव्ड इट कि मेरे पास डेट्स के साथ मतलब मैं बात कर रही हूँ पूरा पूरा. तो दैट वॉज वेरी फन फॉर मी, तो मजा आने लग जाते हैं फिर, तो पढ़ाई ऑब्वियसली आसान हो जाती है. चलो बहुत बढ़िया जा रहे हैं. तो अभी प्रोसीड करेंगे अगले सेक्शन पे, लीगल रीजनिंग को लेके. आपने लीगल के बेसिक्स कहाँ से तैयार किए, आपने उसको कैसे अप्रोच किया, हाउ इम्पोर्टेंट आर लीगल जजमेंट्स, आप उनको कहाँ से पढ़ती थी, कौन से सोर्सेस को आपने फॉलो किया, तो उस पर बात करेंगे. तो लीगल रीजनिंग आपने कैसे करी? लीगल रीजनिंग से एक्चुअली आर स्कूल लाइक वेरी रिसेंटली गॉट वेरी इनटू लाइक प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर क्लैट. इससे पहले वो नहीं करते थे. आई एम अ वेरी लकी स्टूडेंट कि मेरे आते ही उनकी भी एकदम से ये जाग गई कि क्लैट दिलवाएंगे बच्चों से हम. ठीक है, तो वी हैड दिस टीचर इन आवर स्कूल, शी इज अ लॉयर हरसेल्फ, सो लाइक शी टीचेस द स्टूडेंट्स नाउ, आई मतलब वट एवर हर रीजंस, बट लाइक शी ऑब्वियसली इज लर्नड इन लॉ. तो वो अपनी ही लाइक जब वो पढ़ती थी वो वाली बुक्स लेके आती थी विद ऑल द नोट्स एंड स्टफ, तो बेसिक्स आई कवर्ड विद हर, शी वॉज वेरी गुड एट इट. And other than that, judgments का actually मैं बोलूँगी I did not read that many judgments. Like I was suggested to, and that was one thing which was always in the back of my mind कि रुचि तो ये नहीं कर रही है. Like students are reading judgments as well और वो पढ़ के समझ रहे हैं उनको, but I was not doing it that much. But I would say like legal, if you start studying it, you will find it interesting. ठीक है, like there's The thing I love about maths is that like क्योंकि 12th में मेरे सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो थियोरेटिकल हो गए थे, तो
So there was only maths where I could actually like have proper formulas and like questions badalte rehte the, but you put in the formulas and you get different answers and it's working out ultimately. ठीक है, तो I loved like the practicality of maths क्योंकि मेरे सारे थ्योरेटिकल चल रहे थे. तो सेम वे आई फील विद लॉ इज ऑल्सो कि तुम्हारे को प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं मोर देन एनीथिंग एल्स. ठीक है, एंड दोज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू अप्लाई देम. तो इट विल बी समथिंग वेरी न्यू. ठीक है, बट यू वुड एंजॉय इट. एंड देन सोर्सेज आई डोंट थिंक आई कैन साइट दैट मच इन जनरल, लाइक यू विल हैव टू सर्च फॉर योरसेल्फ. मैंने यूनिवर्सल्स गाइड से भी पढ़ा था थोड़ा बहुत. ठीक है, तो बट मोस्टली आई थिंक माई मैम ओनली कवर्ड द सिलेबस एंड शी वॉज वेरी गुड विद इट. तो दैट वे आई कवर्ड इट, बट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. दैट इज वन थिंग आई कैन से. ठीक है, सोर्सेज मतलब आपकी कोचिंग से ही थे और बाकी आपकी मैम. या ओके, सो मेरे साथ ऐसा था कि लाइक आप आइप लीडर्स के ब्लॉग्स होते हैं. आप पर्टिकुलरली जब पढ़ते हो किसी चीज को, आप सिलेबस निकालते हो, कवर करते हो, तो आप उस पर जाके साइट कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या है. ठीक है, आप उसको पढ़ लोगे, आपके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. इसके बाद जब आप बेसिक कुछ लॉ के चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो. वहां पर बहुत सारी वीडियोस आती हैं इंपॉर्टेंट लीगल जजमेंट्स की, उनको देख सकते हो. अदरवाइज जो इंग्लिश आप कवर करते हो, तो मैंने आपको एक चीज बताया कि जो इंग्लिश का मतलब क्लैट का पेपर रहता है वो अराउंड 70% इंग्लिश पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, अबाउट अराउंड 3 सेक्शंस. ओके, क्रिटिकल, इंग्लिश एंड लीगल. ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी क्लैरिटी आपके माइंड में, तो आप वो भी आराम से कर सकते हो. ठीक है, तो कुछ चैनल्स को फॉलो कर लीजिए, आईपी ब्लॉग पढ़ लीजिए. इसके बाद आप मॉक्स देते हो, तो वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बनती है. ठीक है ना, तो हमारा जो नेक्स्ट होगा, आई हेट दैट थिंग बट व्हाटएवर, हमें कवर करना है मैथमेटिक्स. राइट, कैसे किया था? मैथ्स बहुत मस्त थी. देखो, क्वांटिटेटिव पानी लाओ, बोलो शुरू हो जा. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाज लाइक आई हैड द मोस्ट फन डूइंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. ठीक है, मेरे को बहुत मजा आता था मैथ सॉल्व करने में. एंड लाइक एक्चुअली मुझे आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, बिकॉज लाइक मैं स्टार्टिंग में आई कुड नॉट रैप माई हेड अराउंड द फैक्ट कि एलिट का सिलेबस अलग होता है और क्लैट का सिलेबस अलग होता है. तो द एलिट वन आई फाउंड लाइक वेरी टफ, जो सीटिंग अरेंजमेंट एंड स्टफ था, विच वॉज लाइक एक्चुअली नॉट क्यूटी, बट इट वॉज अ डिफरेंट सेक्शन, बट आई थॉट इट वॉज पार्ट ऑफ इट. ठीक है, हाँ, बट आई गॉट टू नो दैट इट्स नॉट पार्ट ऑफ इट. एंड लाइक मेरे को मोस्टली वो परसेंटेज और क्या कहते हैं, what do you call those, interests and ye sara ka sare karna padega, which I to enjoy, to mere ko to maza aata tha solve karne mein. plus lekin for quantitative techniques aapko ye percentage of fraction wali cheez bahut acche se aani chahiye. percentage into fraction and fraction into percentage. because like whatever you're solving, that is a very big part of it. and like you said ki english jo hai wo 3 sections ke liye important hoti hai. I believe QT को solve करने के लिए भी your English needs to be like good, because word problems आती है. You don't get questions directly. You have to solve those word problems और उसके basis पे फिर आपको QT को solve करना पड़ता है. तो like there have been instances when our sir was teaching in the class and because he misunderstood the meaning of what was given in the word problem, like उन्होंने solve पूरा कर दिया, but the answers didn't match and that was because उन्होंने misunderstand कर लिया था कि what the passage meant. तो वी हैड टू लाइक करेक्ट कि नहीं सर दिस मीन दिस नॉट दैट. तो इस तरीके से तो इट इज इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स आल्सो. ठीक है, हमारे लिए नहीं थी क्योंकि मैथ्स भाई मैंने त्याग दी थी 10th के बाद. और मेरा पता क्या था, मैंने कहा 6 नंबर तो देखो मैथ्स से डेफिनेटली आ रहे हैं वैसे ही. ठीक है, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है और थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो शायद 12 के 12 आ जाए. ठीक है, तो I was very happy about maths क्योंकि वहां से like every other the only problem I had was getting to maths. क्योंकि I know if I get to maths and if I solve it my answer will be correct. मेरी उसमें कभी probability खराब नहीं हुई कि मेरा answer गलत आया है कभी. ठीक है, but the thing was getting to maths because मैं उसको last के लिए छोड़ देती थी and then a lot of times मेरे पास उसको solve करने के लिए time नहीं बच पाता था. तो I regretted that a lot क्योंकि मेरे maths में marks इतनी sure थे कि आई वुड ऑलवेज बी लाइक कि यार यहाँ के मार्क्स तो क्यों ही जाने दे रही हूँ मैं, यहाँ पे तो आने ही चाहिए. सही बात. तो दैट्स व्हाट्स द सीक्वेंस व्हेन यू अटेम्प्टेड क्लैट 2024, लाइक व्हेन आई गेव इट फाइनली. या आई डोंट रिमेम्बर, आई रियली डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट लाइक द सीक्वेंस दैट आई यूजुअली फॉलोड आई रिमेम्बर. उस टाइम पे अगर मैंने कुछ अलग किया हो उस फिट ऑफ जो कुछ भी चल रहा था उसमें, बट यूजुअली व्हाट आई डिड वाज आई डिड लीगल फर्स्ट. ओके,
लीगल करती थी देन आई यूज्ड टू गो टू इंग्लिश इंग्लिश देन आई वेंट टू जीके जीके देन आई वेंट टू क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग एंड देन लास्ट में आई यूज्ड टू डू क्यूटी बट ये था देखो लीगल मेरा फिक्स था फर्स्ट के लिए और क्यूटी फिक्स था लास्ट के लिए बीच के तीन मैं शफल कर लेती थी कभी भी दे वर नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम ऑल्सो और जीके को वैसे मैं कोशिश करती थी कि थोड़ा लास्ट में करूँ क्योंकि जीके का लोग सजेस्ट करते हैं इट्स नॉट दैट गुड ट्राई टू डू इट इन द एंड ताकि तुम स्टार्टिंग से डिसहार्टन ना हो कि ये तो आ ही नहीं रहा है और तुम्हारे ये नंबर तो ऑलरेडी जा रहे हैं इस तरीके से तो दैट आई यूज टू ट्राई टू डू एट द एंड बट लाइक मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये होता था कि मैं लॉजिकल क्यूटी से पहले कर रही हूँ उससे पहले जीके इंग्लिश और सबसे पहले लीगल ठीक है तो एक क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो सकता है थोड़ा सा सोचने वाला हो सकता है लाइक क्लैट 2024 के ऊपर क्या कमेंट है क्या कमेंट उस एग्जाम के ऊपर शायद कुछ रैंक ऊपर हो सकती थी या कुछ और कुछ बताना चाहोगे देखो इट वाज अ बैड एग्जाम हां इट वाज अ रियली बैड एग्जाम हां आपने मेरा पूरा सुना तो आपको ये चीज रियलाइज हुई होगी कि बिकॉज माय जीके वाज नॉट गुड आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन माय जीके एंड आई मेड इट रियली गुड ठीक है मैं मतलब आई रियली डिड आई लाइक द वन थिंग दैट आई ऑलवेज टेल पीपल इज लाइक कि मैंने क्लैट के लिए जेन्युइनली पढ़ाई की थी अपनी जान लगा के ठीक है एंड मे बी लाइक 70 इज अ लॉट टू से 70% नहीं बट लाइक 50% तो फॉर श्योर मेरा जो फोकस था ना वो जीके पे था क्योंकि अदर थिंग्स इंग्लिश लाइक आई सेड आई डिडंट हैव दैट मच ऑफ एन इशू क्रिटिकल एट अ सर्टेन पॉइंट आई डिडंट हैव दैट मच ऑफ एन इशू लीगल मेरे को आ रही थी धीरे धीरे करके द फॉर्मुलाज वर वर्किंग फॉर मी वट एवर इट वॉज वर्किंग फॉर मी ठीक है बट जीके वॉज समथिंग आई हैड टू लाइक पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर एंड आई डिड एंड देन उस सेक्शन में जो बकवास किए है उन लोगों ने मतलब मैं समझा भी नहीं सकती मैं फ्रस्ट्रेशन वाइल रीडिंग इट वाज दे द फनीएस्ट थिंग वाज दे इंक्लूडेड दैट अंबेडकर वाली स्पीच इन इट राइट एंड उसका जो लास्ट कोट था ना इन दैट ईयर आई हैड गॉन फॉर अ डेक्लेमेशन एंड दैट वाज द एंडिंग कोट ऑफ माय स्पीच फॉर दैट डेक्लेमेशन ठीक है And like that was the quote which was my ending quote for the speech that I had given there. ठीक है तो it was familiar but like still I was so angry watching that and I was so done with it. I was like मैंने क्यों dates याद की इतनी सारी मैंने क्यों इतने सारे events समझे a lot of it was swearing allowed है आपके channel में इतना भी नहीं किया कि सिर्फ लैंडर का नाम पूछा हो या सिर्फ रोवर का नाम पूछा हो तो टू टेस्ट द चिल्ड्रन की उन्होंने मतलब सही नाम याद किए कि नहीं दे आस्क्ड बोथ ऑफ देयर नेम्स ठीक है टुगेदर कि तुमने बस याद कर रखे ना दोनों के दोनों उतना ही काफी है हमको नहीं फर्क पड़ता तुमको कौन सा किसका लगता है There was a question which said, who is he addressing in this speech? The Prime Minister. I was like, why? Oh my God, it was like the GK especially was really dumb. ठीक है? Okay. Maths to a certain extent was okay. ठीक है? It was doable maths and it was easy maths. But like आप ऐसे complain नहीं कर सकते कि देखते ही answer आ रहा है. ठीक है? You had to solve them. Okay. So maths was to a certain extent doable. Okay. I don't know if it was English or if it was logical. But there was a passage. In that passage, there was a question where there was a line and they had asked, what does the author mean by this line? And that line was not in the passage. the line was very obvious. मुझे उसका meaning पता था. But obviously, आप इतना prepare करते हो, आपके 70-70 ही number आ रहे हैं सिर्फ marks के अंदर, ठीक है? उसके ऊपर number नहीं जा पा रहे हैं. तो you think maybe it's a trick question. Okay. Maybe it means something else. Maybe जो obvious meaning है वो इस paragraph के basis पे obvious meaning नहीं है. It is something else. So you are trying to find that line. मैंने इस passage को 3 times पढ़ा उस line के चक्कर में. कितना time दिया? That time could have been devoted to the maths questions that I left. ठीक है दैट इज अ रिग्रेट आई विल ऑलवेज हैव क्योंकि मैं ये चीज बोलती हूँ कि अगर मैं मैथ्स अटेम्प्ट करती तो मेरे उसमें नंबर आते ठीक है तो दैट इज अ रिग्रेट आई विल ऑलवेज हैव एंड लाइक मेरे को स्पेशली उस क्वेश्चन पे इतना गुस्सा आया एंड आई एम प्रीटी श्योर अल्टीमेटली जो दो क्वेश्चन गायब हुए थे उनमें से दैट मस्ट हैव बीन वन ऑफ दोस क्वेश्चंस ठीक है तो
it was really frustrating. It was really legal. Legal. ये तो भाई मैं भी इसको लीगल के अंदर उन्होंने क्या ही दे रखा था, वो क्या ही मतलब था. लाइक एक्चुअली द मेन फ्रस्ट्रेशन ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स वाज दैट दे वर एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चंस व्हिच वर रियली इजी क्वेश्चंस टू हैव सम काइंड ऑफ ट्रिक इन देम. दे वर एक्सपेक्टिंग कि इतने इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, हो ना हो ये हमसे कोई प्रॉपर आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड दे आर ट्राइंग टू ट्रिक अस थ्रू इट. Which was not their thinking. इतना आगे का उन्होंने नहीं सोचा था, हम ही सोच पा रहे थे बस पेपर में बैठ के इतना आगे का, ठीक है. तो लाइक इवन इफ इट वॉज अ वेरी ऑब्वियस आंसर एंड यू लुक एट एंड यू लाइक अरे ये तो बच्चों ने कर ही दिया होगा आराम से, वी हैड टू सिट देयर एंड थिंक इज दिस रियली व्हाट दे आर आस्किंग अस इन अ नेशनल लेवल एग्जाम जिसके बेसिस पे हमारी लाइफ सेट हो गई. इज दिस रियली द क्वेश्चन दे वॉन्ट अस टू आंसर. दैट वॉज द प्रॉब्लम इन इट. इट वॉज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एग्जाम. बट ज्यादा आ सकते थे या कम आ सकते थे दैट आई कांट रियली से बिकॉज आई एम वन ऑफ द लकी वंस जिसके इतने आए हैं दैट आई कांट कंप्लेन टू दैट एक्सटेंट अबाउट इट. आई नो पीपल एंड आई हैव फ्रेंड्स हु कैन कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज द थिंग आई हैव सेड इज इस एग्जाम ने ये नहीं किया कि जिनके अच्छे नंबर आ रहे थे उनके खराब आ गए हों. ऐसा नहीं था. इट्स मोर लाइक कि जिन बच्चों के 90 के अराउंड आने थे उनके तो 90 के अराउंड आए ही हैं, पर जिन बच्चों के 70 तक भी आ रहे थे ना उनके भी 90 अराउंड आ गए, ठीक है. तो परहैप्स आई एम वन ऑफ दोस पीपल. आई कैन नॉट से दैट, ठीक है, कंसीडरिंग द हाउ द एग्जाम वाज मे बी आई एम आल्सो वन ऑफ दोस पीपल जिनके नहीं आते इतने हाई. बट द थिंग इज इट्स रियली अनफेयर ऑन द स्टूडेंट्स हु हैड लाइक पुट 2 years 3 years. देयर आर पीपल हु आई नो हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस 11th. यू आर अ ड्रॉपर योरसेल्फ, ठीक है. So you know people give a lot of time to it. So it's really unfair on those people. ठीक है, आपने जिस लेवल का एग्जाम दिया है, क्योंकि मेरा तो मानना है इतना टफ कर दो कि कट ऑफ जो है वो 70 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है. इतना टफ कर दो कि 70 कट ऑफ जा रही है, दैट इज नॉट एन इशू. बट टू मेक एन एग्जाम सो ईजी दैट देर इज लाइक बेयरली देर इज लाइक 0.25 के मार्क्स पे आपके 10-10, 20-20 बच्चे आ रहे हैं बीच में रैंक्स में. That is like something which should not be the legacy you leave behind through your exam. गलत तो किया कंसोर्शियम ने. गलत तो किया. पर क्या ही कर सकते हैं. इस साल जितना गलत हुआ है हम तो कम ही कंप्लेन कर सकते हैं. देखो ठीक है. हाँ. बेचारे नीट वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं. After that at least we can say हमारा result time से आ गया था और result पे dispute नहीं है. हाँ मैं समझ गया. Dispute is with the exam. ठीक है. Which will be like made better next year. I am so scared for the people who are giving the exam this year because the way it was last year I am pretty sure like it will be really really tough, like really tough this year. ठीक है. तो like having complaints about the exam is still something ki theek hai koi baat nahi, but like abhi to CUET and all ke sath jo chal raha hai I can't. Alag hi scam hai bhai NEET ka to. Kya kare, hamara support aapke sath hai dosto. CLAT ki preparation karni hai to एक बार अपने इंटरेस्ट को थोड़ा ध्यान में रखे करिएगा. राइट. उस पर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे, चर्चाएं करनी थी करेंगे. तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू मैनेज क्लैट प्रिपरेशन विथ योर बोर्ड एग्जाम्स. सो माय स्कूल वाज एक्चुअली रियली सपोर्टिव इन दिस. माय स्कूल इज आरपीएस पब्लिक स्कूल धारूहेड़ा, ठीक है. ऐसे ज्यादा मैं प्रमोशन नहीं करती स्कूल का बिकॉज ठीक ठाक स्कूल है. हम भी प्रमोट करेंगे. आई एम अ केंद्रीय विद्यालय. उसको प्रमोशन की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, पहुंच जाते हैं बच्चे वहां पे अपने आप ही. बट लाइक आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस. माय प्रिंसिपल मैम टुक नोटिस ऑफ मी. आई चेंज माय स्कूल्स व्हेन आई वाज इन 11th, ठीक है. मैं फर्स्ट 10th तक एक ही स्कूल में थी, देन 11th 12th आई डिड फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्कूल. तो व्हेन आई केम टू द न्यू स्कूल माय प्रिंसिपल थैंकफुली टुक नोटिस ऑफ मी एंड लाइक शी एक्चुअली वॉज वेरी सपोर्टिव एंड पूरा गाइड किया उन्होंने मेरे को, ठीक है. एंड इवन आर स्कूल ऑल्सो कंडक्टेड लाइक क्लैट एग्जाम्स, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. दैट इज अ डिफरेंट थिंग इंटायरली. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज 12th में आई लाइक एक महीने तो शायद मैंने क्लास अटेंड ही नहीं की. नवंबर तो लाइक आई डिडंट गो एट ऑल. मे बी 2-3 days पूरे महीने का मिला के मुश्किल से, ठीक है. बट माई टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव विद इट. माई प्रिंसिपल मैम वॉज वेरी सपोर्टिव विद इट एंड लाइक देवर 2-3 weeks आई वेंट टू स्कूल
and I didn't attend my classes and I sat in our conference room and studied there by myself. पूरा जो मतलब मस्त था मेरा स्कूल जाते थे 6 घंटे वहीं के हो जाते थे बैठे बैठे पढ़ाई के तो that was really nice. तो बोर्ड्स को कैसे हैंडल करना है इज आई हैड ह्यूमैनिटीज तो दो सब्जेक्ट्स अल्टीमेटली यू डू हैव टू स्टडी देम योर सेल्फ एनी वे तो खुद से तो तुम्हें उसमें वैसे भी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी तो इफ यू हैव ह्यूमैनिटीज इट्स अ लिटिल बिट इजियर देन अदर स्ट्रीम्स से कॉमर्स और साइंस तो वट आई डिड वॉज इनिशियली क्लासेस मैंने अच्छे से अटेंड की थी ठीक है घर पे आके पढ़ती थी होमवर्क नहीं करती थी बता दिया था नहीं करूंगी होमवर्क ठीक है नोटबुक कंप्लीट नहीं रहेगी मेरी बट आई विल अटेंड द क्लासेस एंड आई विल स्टडी देयर डिलिजेंटली तो दोज इनिशियल क्लासेस हेल्प मी एंड देन लेटर ऑन लाइक आई सेड माय टीचर्स वर वेरी विलिंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक्स अगेन टू मी ठीक है एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर तुम क्लियर करते हो अपने स्कूल के साथ ये चीज अपने टीचर्स के साथ ये चीज दे विल बी वेरी सपोर्टिव दे विल बी लाइक कि ठीक है हम आपको बाद में करवा देंगे बिकॉज रिविजन क्लासेस हर स्कूल में वैसे भी चलती है बोर्ड्स में एंड द बेस्ट थिंग व्हाट क्लैट इज यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स आफ्टर गिविंग द एग्जाम तो लाइक I gave my exam in December and then due to like family functions or like खुद से पढ़ने का मन नहीं था उसके बाद whatever I started preparations for boards in February ठीक है and then like my boards were in February तो I started preparation then only ठीक है तो ऐसे zero से नहीं शुरू किया था पढ़ती हूँ मैं पर it was still like you can cover as a humanities student तो at least you can cover तुम्हारे marks कितने आए पहले मुझे ये बताओ कौन सा बेस्ट ऑफ 5 बताना है नहीं आपका ओवरऑल स्कोर क्या था ओवरऑल नहीं याद किया किसका 10th में 12th में 12th में ओवरऑल नहीं याद मेरे को ठीक है ना हम सिर्फ बेस्ट ऑफ 5 याद रखते हैं व्हिच इज 98.6% 98.6% थे इनके 12th में ये पढ़ती नहीं है आई सेड मैं पढ़ती हूँ टू सम एक्सटेंट ठीक है बोर्ड्स के लिए ठीक है ये बात सच्चाई है बोर्ड्स के लिए इतना नहीं पढ़ना पड़ता है वो लोग नंबर दे देते हैं ठीक है दैट इज अ ट्रू फैक्ट ठीक है पर ठीक है पर लाइक इट्स ओके यू कैन मैनेज लाइक आल्सो बोर्ड्स इज नॉट द गोल इतने सारे बच्चे हैं मेरी क्लास में ही लाइक देयर इज अ स्टूडेंट हु गॉट 98.8% देयर इज अ स्टूडेंट हु गॉट 99.2% बट दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द सीयूईटी रिजल्ट्स नाउ तो लाइक इट योर बोर्ड्स नाउ रियली डोंट मैटर ठीक है योर गोल शुड बी क्लैट एंड योर वरी अबाउट बोर्ड शुड नॉट बी देयर क्योंकि पास तो आराम से हो जाओगे दैट इज नेवर एन इश्यू हो तो जाएंगे हमारे साथ भी 70-70 वाले बैठे ठीक है तो और ऑब्वियसली जब तुम क्लैट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उतना तुम्हारा इंटेलेक्ट ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है तो बोर्ड्स के लिए तो उस बात पढ़ाई हो ही जाएगी मेरा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आई थी वो उसमें थी कि आई हैड टू शिफ्ट फ्रॉम लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स से और लाइक जो लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं ना पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ता है इंट्रोडक्शन फिर वो कंक्लूजन दैट वाज अ बिग स्विच फॉर मी एंड अनदर लाइक वेरी फनी थिंग वाज कि जब मैं टिक द करेक्ट अटेम्प्ट कर रही थी उसके बाद प्री बोर्ड्स के अंदर तो मेरे को अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ रहा था कि रुचि अगर देखो नहीं आता तो अभी तो तुक्का मार सकती है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके अंदर तो दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैड टू रिमाइंड माय सेल्फ But other than that, it's doable. The board syllabus is very doable. If you have a month, even 1.5 months to prepare for board after your CLAT exam, that is more than enough to prepare for it. तो वापस अपने first question पे आऊँगा. Like around 4 months left for CLAT 2025, 1st December 2024, if I'm not wrong. Right. तब exam है. What advice you wish to give, you want to give to those CLAT aspirants who are preparing for that exam and whose marks are not scoring they are in 40s 50s 60s 70 they have to try their best they have to work hard what will you suggest dekho first of all time management is time pe bahut zyada important ho jati hai theek hai to like I said boards ho jayenge theek hai the students who are giving boards this year for those boards ho jayenge that is not an issue abhi is baat pe stress lo hi mat ki wo kaise hoga that is a very future endeavor theek hai फॉर राइट नाउ योर ओनली ओनली फोकस शुड बी क्लैट और उसके बेसिस पे लाइक इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि अगर इफ़ यू हैव 4 months लेफ्ट 8 से 10 घंटे तुम्हारे जा रहे हैं या जाने चाहिए इसकी प्रिपरेशन में फिलहाल ठीक है बिकॉज देर इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट हाउ मच सिलेबस यू हैव लेफ्ट हाउ मच यू हैव टू कवर इज समथिंग ओनली यू नो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जीके के टॉपिक्स अभी खत्म नहीं हुए
वो बढ़ते रहेंगे वो बढ़ते रहेंगे चार महीने में. लाइक द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड, लाइक वो नहीं आया तो ठीक है अलग बात है, बट लाइक द होल इजराइल हमास थिंग दैट हैपेंड एंड क्या कहते हैं ऑल ऑफ दोस थिंग्स दे हैपेंड लाइक वेरी रीसेंट टू द एग्जाम. तो सिलेबस इतना रिसेंटली आया था एंड देन उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी थी बैठ के. ठीक है, तो योर सिलेबस इज नॉट गेटिंग एनी शॉर्टर, योर स्टडी आवर्स विल नीड टू गेट लॉन्गर. ठीक है, बट फाइंड अ टाइम पीरियड दैट वर्क्स फॉर यू. मैं रात को 3-3 बजे तक जाके पढ़ती थी. ठीक है, मेरे तो ट्रेन आती थी. हाँ, वो ट्रेन आती थी तो समझ आता था कि रुचि 3 बजे का कंसाइनमेंट जा रहा है इनका, तेरे को भी सो जाना चाहिए. ठीक है, पर लाइक व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको दिन में लाइक लॉन्ग आवर्स दे कैन सेट. आई कैन नॉट डू दैट. आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट, बट लाइक व्हाट एवर वर्क्स फॉर यू फाइंड टाइम स्लॉट्स. ऐसे इट साउंड्स हेक्टिक, बट अगर तुम स्कूल मिस कर रहे हो इस टाइम में, जितने भी टाइम के लिए कर रहे हो, तो यू डू गेट द टाइम. तुम इस तरीके से टाइम स्लॉट्स डिवाइड करोगे, यू कैन स्टिल लाइक वॉच स्टफ ऑल्सो. आई वुड नॉट रिकमेंड वॉचिंग स्टफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, मूवीज मे बी वीकली, बट लाइक स्टिल यू हैव द टाइम टू रिलैक्स ऑल्सो. अगर तुम 8 घंटे या 10 घंटे दे रहे हो, उसके बावजूद रहेगा टाइम. वही है कि टाइम मैनेजमेंट तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एक्सेसिव टाइम जा रहा है, कहाँ पे यू कैन सेव टाइम. बट अदर देन दैट इट्स वेरी डुएबल राइट नाउ. और एक स्ट्रैटेजी अगर बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जाम वाइज मैं बोलूंगी, तो नाउ स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस दैट यू यूज्ड टू लीव. अगर मार्क्स बढ़ाने हैं, स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस जो कि तुम्हें एक्चुअली ये एक स्ट्रैटेजी थी जो हमारी मैम ने हमें सिखाई थी और मैंने भी एम्प्लॉय की थी उसके बाद, कि फिलहाल ये काम करो कि जो तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो वो तो एक तरफ, और फिर वो क्वेश्चंस जिसके अंदर अगर तुम उस क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तो उसको अटेम्प्ट करो. और फिर इस तरीके से तुमने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, उनके मार्क्स अलग से निकालो और अपने बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो तुमने एक्चुअल में अटेम्प्ट किए उनके मार्क्स अलग से निकालो एंड सी इफ दोज सेपरेट मार्क्स आर एडिंग टू योर फाइनल मार्क्स और इफ दे आर गोइंग इन नेगेटिव. ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं कि तुम ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारा नेगेटिव में ही जा रहा है कि इसके मार्क्स इसमें ऐड करने पे इसके मार्क्स भी कम हो रहे हैं. मोर लाइकली इट इज कि ये के अंदर ये ऐड होंगे, योर स्कोर विल इंक्रीज ओनली. ठीक है, तो दैट विल लेट यू नो कि तुम्हारे कहाँ पे तुक्के बोल लो भले ही उनको, बट कहाँ पे तुम्हारे वो लग पा रहे हैं और कहाँ पे नहीं लग पा रहे हैं. ठीक है, तो यू विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वर लीविंग टिल नाउ बट यू कैन अटेम्प्ट इन द फाइनल एग्जाम. और ये चीज तो सबके साथ होती है कि डोंट गेट डिसहार्टेंड विद द मॉक एग्जाम्स, दे आर मेड टू बी टफर देन योर फाइनल. ठीक है, दे आर मेड दैट वे ताकि तुम फाइनल दो तो तुमको वो इजियर लगे. इंस्टीट्यूट यही करते हैं. देयर वाज अ टाइम पीरियड जब मेरे आई थिंक क्लैट के पहले मैंने कोई ऑल इंडिया मॉक दिया था इन विच आई गॉट लाइक 50 और समथिंग. ठीक है, विच वॉज लाइक माई वर्स्ट स्कोर इन अ लॉट ऑफ पुराने एग्जाम्स. और 70 से ऊपर तो मेरे आ ही नहीं रहे थे, वो तो अलग ही बात है. ठीक है, बट लाइक दैट वाज अ वेरी बैड स्कोर. तो उसके बाद मेरे को अपने आप को मेंटली प्रेप करना पड़ा था कि कोई बात नहीं रुचि, तेरे को आता ऐसा नहीं है, एक एग्जाम से होता नहीं है, ऐसे पढ़ लेंगे दोबारा. ठीक है, बट वट एवर इट इज मार्क्स को दिल पे मत लो. और एक महीने पहले तो मार्क्स काउंट करना भी बंद कर दो. स्टॉप काउंटिंग योर मार्क्स, जस्ट चेक हाउ मेनी यू आर गेटिंग राइट, हाउ मेनी यू गेटिंग रॉन्ग, व्हाट यू आर गेटिंग रॉन्ग. और स्पेशली हाँ, फिलहाल उन चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर दो जो जो क्वेश्चंस तुम्हारे लगातार गलत हो रहे हैं. मेरे स्ट्रेंथनिंग वाले बहुत गलत होते थे, वीकनिंग वाले बहुत गलत होते थे. ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे, इन्फरेंस मेरी कभी कभी जाके ऐसा होता था कि एक में सारी ही इन्फरेंस गलत कर रखी है मैंने. ठीक है, तो दीज वर द थिंग्स विच आई लाइक रोट डाउन कि अच्छा इसके इतने क्वेश्चन गलत हुए, इसके इतने क्वेश्चन. अभी वैसे आई फील क्योंकि 4 ही महीने बचे हैं तो बच्चों ने क्लैट डायरी तो बनाई रखी होगी. ठीक है, जिसमें वो अपना टेस्ट वगैरह एनालाइज करते होंगे. तो देयर यू हैव टू चेक कि कौन सी चीजें पे तुमने इम्प्रूव किया है. सेलिब्रेट भी करो भाई कि ये इम्प्रूव कर लिया है हमने. ठीक है, बट लाइक मेरे एक पॉइंट पे जीके में मार्क्स बढ़ने लग गए थे, मेरे को बहुत खुशी होती थी. ठीक है, लीगल में जा रहे थे उस टाइम पे नंबर, पर कहीं पे तो बढ़ रहे हैं कम से कम. तो सेलिब्रेट दैट ऑल्सो, बट लाइक चेक कि तुम्हारे कहाँ कहाँ पे रेगुलरली मार्क्स कट रहे हैं और फिर उन क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करो. एंड अभी वर्कलोड डिवाइड करना स्टार्ट कर दो सेक्शन वाइज भी. लाइक स्टार्ट लुकिंग फॉर द सेक्शंस विच आर लाइक ट्रबलिंग यू, उनके लिए स्पेशली हेल्प सीक करना स्टार्ट करो. ठीक है, और मोस्टली तो आई थिंक ओनली दैट आई वुड रिकमेंड. और जीके अभी थोड़ी सी पुरानी रिवाइज करनी, मतलब करते रहो रेगुलरली, रिवाइज करते रहो.
हाँ, कि तुम्हारा ऐसा ना हो कि अभी 4 महीने का तो पढ़ना ही आगे जो आएगा और वो पुराना वाला भी वैनिश होते रहे, ऐसे नहीं चलेगा. क्योंकि हो सकता है कि इट इज वेरी लेस लाइकली, बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एग्जाम वी हैड, यू वुड वेरी पॉसिबली हैव अ टफर एग्जाम. एंड अ टफर एग्जाम इंटेल्स दैट कि अभी वाले टॉपिक तो बच्चों को आते होंगे, तो हम जनवरी से टॉपिक उठाएंगे कोई, ठीक है? तो दैट इज वेरी वेल पॉसिबल. तो स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल ऑफ दैट स्टफ ऑल्सो. इस बार का जीके तो चलो ठीक है, हमारा जीके तो क्या पता क्या पूछा था, किसी फुटबॉलर के पापा प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट किस कंट्री से है, वो कंट्री का नाम बताओ हमें. क्या पता हमें, हमें क्या करना उस इंसान से. आप लोगों से जीके नहीं, आपसे क्विज पूछ रहे थे. चलो ठीक है. और कैसा जा रहा है एनएलयू जोधपुर में जिंदगी? 1 महीना हो गया. बहुत बढ़िया जा रही है. देखो कैमरामैन को मेंशन करना है क्या? हमारी नाम कर दो. यशिका कमलवंशी के साथ देखो बहुत अच्छा टाइम जा रहा है हमारा. ये मेरे कमरे में, मैं इसके कमरे में, हमारे और भी मित्रगण हैं, हम उनके कमरों में एक्चुअली, क्योंकि हम कूलर वाले लोग हैं, वो एसी वाले लोग हैं. ठीक है, बट इट्स एक्चुअली फन. एंड गर्मी बहुत होती है यहाँ पे, छाता खरीद के आना. तुम तो राजस्थान की हो. ठीक है, तो राजस्थान की तो ऐसे सुन ना, गर्मी लगनी खत्म हो जाएगी, थोड़ी कम लगती है. ठीक ठीक, थोड़ी कम लगती है कम्पेयर टू लाइक अदर पीपल, बट लाइक bring an umbrella with you, ठीक है? वो क्या कहते हैं, like where I am from, it's a like normal town, ठीक है? वहाँ पे अगर आप धूप में छाता लेके निकलोगे, it is not a good like image, ठीक है? पर यहाँ पे it's a necessity, ठीक है? छाता is very important, but 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, मौसम मजेदार हो रहा है, ठीक है? और नहीं तो बारिश हो रही है यहाँ पे, हवा चलती रहती है, तो it's a good, I love the campus. The campus is like greenery is one of the biggest things for me. मेरे स्कूल में ना, my school did not have much of in the name of a ground, ठीक है? So they did not have any trees, जो थे वो potted plants लगा रखे थे उन्होंने जगह जगह पे, ठीक है? उन्हीं की position बदलते रहते थे पूरे दिन वो, ठीक है? I legit, because I used to sit in the conference room, I legit noticed कि वही 3 फूल के पौधे लगा रखे थे और वही इधर से इधर घूम रहे थे, फिर वो उधर से उधर घूम रहे थे, ठीक है? तो that used to happen, but here I'm very happy, there are a lot of trees, there are big grounds, ठीक है? एक पॉइंट पे तुम थक भी जाओगे उस चीज से, हमारे सामने 3 लोग साइकिल लेके जा चुके हैं, ठीक है? तो साइकिल नेसेसिटी नहीं है, पर यहाँ पे आके मन करेगा कि शायद खरीद ही लेनी चाहिए. ले लेना भाई दोस्त की, मैं वही चलाता हूँ. ठीक है, बट लाइक तुम आओगे तो क्लासेस के लिए यू विल हैव टू वॉक अ लॉट, तो तुम यू विल गेट डन विद इट, ठीक है? बट इट्स अ ब्यूटिफुल कैंपस नंदलेस. आई लव द ग्रीन कैंपस एनएलयू जोधपुर. इन्होंने पर्चे से याद कर रखा है, ठीक है? पर्चे से नहीं, मुझे पता है. मैं ऐसे बता रही हूँ अंदाजे से. नापते हो आप? मैं नाप लिया. कैसे नापते हो? एक एक फीट नापा हूँ, क्या जानो तुम. कौन सी यूनिट में? मैं बोल रहा हूँ मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है. मुझे नहीं है मैथ्स पसंद. अच्छा, फुटस्टेप्स में बताओ कितना बड़ा है ये कैंपस. बहुत बड़ा है, उतना नहीं बता पाऊंगा. तो कैसे नाप रहे हो? भूल गया ना, भूल गया. इंच टेप लेके घूमते हो? भूल गया. और कैसा नापा लगता है मैंने? एक बार कुछ, एक दो क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन करूंगा. और नहीं तो इतना सीरियस करवा दिया सारा. चलो ठीक है, तो फ्लैट निकला, ठीक है? AIR 185 सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है पीछे, बहुत कुछ होता है उसके पीछे. फैमिली का सपोर्ट और कुछ प्रेशर फील करते हो जब, कैसा लगता है? लाइक फ्लैट आपका निकल गया है, आप ऐसे एग्जाम, ऐसे कॉलेज में आए हो, टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर, ठीक है? हाउ डज इट फील? एक्चुअली जेन्युइनली माय फैमिली इज लाइक द बैकबोन ऑफ माय लाइक माय सपोर्ट, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम माय फैमिली, ठीक है? एंड लाइक दे आर, आई एम द यंगेस्ट इन माय फैमिली, सो देयर इज नो एक्चुअल प्रेशर. Like, वो वाला प्रेशर नहीं है कि अगर ये नहीं हो पाया तो क्या करूंगी. वो वाला प्रेशर कभी भी नहीं है, बिकॉज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज है, दैट डजंट पास डाउन टू मी, सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल लाइक माई फैमिली इज द बेस्ट, ठीक है? नो ऑफेंस टू एनीवन, माई फैमिली इज द बेस्ट, ठीक है? तो आई हैव 2 elder sisters. And they are really supportive, but like more than that, they are like really motivating also. Like in the sense ki bas
कभी भी फोन मिला लो, और मेरी जो एल्डेस्ट सिस्टर है वो तो पेपटॉक के साथ हमेशा ही तैयार रहती है, ठीक है, उनको कभी भी कॉल कर लो, वो आपको ऐसे मोटिवेट कर देंगे ना कि हाँ भाई क्लैट निकलेगा तो मेरा ही निकलेगा, नहीं तो किसी और का कैसे निकल सकता है, ठीक है. तो देयर इज दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड देन लाइक ऑब्वियसली माय मॉम इज लाइक रियली रियली स्वीट, एंड उन्होंने पूरा मतलब शी इज सो नाइस. उन्होंने, मैं घर पे रहती थी, शी डिडंट आस्क मी फॉर एनीथिंग, कोई काम जो वो यूं होता है ना कि बच्चा बैठा दिख रहा है तो उनको लगता है कि कुछ काम करा ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है. वो मेरे को छोड़ देती थी अपना पढ़ने के लिए, पूरा सर्विस मिलती थी मेरे को, ठीक है, खाने की. एंड देन मेरे पापा जी को मैंने बहुत परेशान किया, ठीक है. ही यूज टू लाइक, इट वॉज लाइक मैं उनको 7 बजे, शाम के 7 बजे प्रिंट आउट भेज रही हूँ कि मेरे को ये चाहिए आज ही, एंड देन ही हैज टू कम एंड लाइक ही इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, एंड देन वो प्रिंट आउट निकल के लेके आ रहे हैं उसके बावजूद मेरे लिए, ठीक है ना. और ही इज सो नाइस, वो बाइंडिंग तक करवा के लाते थे उसकी, ठीक है. तो लाइक माई फादर, आई यूज टू ट्रबल हिम अ लॉट, बट लाइक वही चीज है कि बिकॉज इट्स देयर एफर्ट्स एज मच एज इट इज माई ओन, ठीक है. तो वो प्रेशर रहता है कि इतने सारे लोग जो है वो आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक अबाउट द फैक्ट कि तुम कितना कर रहे हो. बट अल्टीमेटली मेरे ऊपर इतना ही प्रेशर था मेरी फैमिली की तरफ से कि यू हैव टू गिव योर 100%. ये प्रेशर नहीं था कि यू हैव टू गेट दिस. उन्होंने मेरे लिए कोई मार्कर नहीं सेट कर रखा था कि इतने तो आने ही चाहिए. उन्होंने मॉक्स में भी मेरे लिए इतना मार्कर नहीं सेट कर रखा था कि इतने तो आने ही चाहिए, ठीक है. द ओनली थिंग वाज यू हैव टू गिव योर 100%. बाद में प्लीज डोंट कम विद रिग्रेट्स कि मैं इस टाइम पे ये चीज कर सकती थी पर मैंने ये चीज नहीं की. तो दैट वाज आल्सो फॉर मी ओनली कि मेरे में रिग्रेट्स नहीं रहे बाद में. बट दे वर वेरी क्लियर अबाउट दैट द ओनली थिंग वी एक्सपेक्ट ऑफ यू इज टू लाइक गिव योर लाइक ऑल टू दिस एग्जाम राइट नाउ. दैट इज ऑल वी आस्क ऑफ यू. अदर देन दैट रिजल्ट जो भी रहेगा वट एवर हैपन्स अल्टीमेटली इट विल बी फाइन, ठीक है. बट लाइक अभी के लिए जब तैयारी कर रही है ना तो पूरी तैयारी करनी है अपनी तरफ से. दैट वाज ऑल देयर. बहुत अच्छी बात है भाई, बड़ी इंस्पिरेशन सी लग रही थी. एक चीज और, पेपर देकर खुशी बहुत मिली. बहुत खुशी मिली, बहुत ज्यादा खुशी मिली. I actually cried when I was coming back after giving the exam. And like it was not a paper bura gaya ya whatever that kind of cry. It was more like ki ho gaya. I'm free now. ठीक है, it takes up so much of your life. Like even मेरा तो मानना है there were a lot of people who had studied way more than me. ठीक है, तो like उन लोगों का मिला के and even मेरा मिला के it takes a lot of your time. It takes a lot of your life. और जब तुम इतना सब कुछ दे रहे होते हो ना तो जब तुम फाइनली एग्जाम दे के आते हो ना देयर इज दिस ह्यूज रिलीफ ऑफ हो गया, जैसा भी था जो भी किया हो गया, ठीक है. तो देयर वाज दैट रिलीफ. इट वाज, और मौसम भी अच्छा था उस दिन, हवा चल रही थी बहुत प्यारी प्यारी, बड़ा वो वाला फील आ रहा था वो म्यूजिक वीडियो में जो वीडियो कार के बाहर देख रहे होते खिड़की से. तो या इट वाज गुड. ठीक है भाई, कांग्रेचुलेशंस एक बार और. अपने यहाँ आई हो, बहुत अच्छी जगह आई हो. ये तो पूछो मैंने क्लैट के बाद क्या किया. क्या किया तुमने क्लैट के बाद? मैंने सीरीज पे सीरीज निपटाई है. भगवान, सीरीज पे सीरीज निपटाई है मैंने. अरे, I watched like I have no idea how many shows I watched. I can't even count how many shows I watched. ठीक है, हमने तो देखे कई ड्रामा की वो. हाँ, हम अलग कर देते. तो लाइक उसमें से 30 तो मैंने कम से कम क्लैट के बाद ही देखे हैं. ठीक है, लाइक नॉट इमीडिएटली बाद, कुछ बोर्ड्स के बाद भी अभी तक यहाँ तक के मिला के. ठीक है, बट लाइक आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ शोज क्योंकि बहुत सारे, देखो तुम ऐसे करते हो, आई एम अ वेरी बिग लाइक मूवी बफ. ठीक है, एंड लाइक शोज वगैरह मुझे बहुत पसंद है. तो मैंने चीजें ऐसे डिमार्केट कर दी कि अच्छा ये क्लैट के बाद देखूंगी, ये क्लैट के बाद देखूंगी, ये क्लैट के बाद देखूंगी. ठीक है, पर सब देखा फिर मैंने. बहुत मजा आया. पढ़ाई तो क्या की उसके बाद मैंने. दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, जो हमारे पीछे कैमरा मैन है भाई, बहुत मेहनत कर रहा है, दो दो फ्लैश ऑन करके रखा है मोबाइल के भाई. थैंक यू यशिका. तो माय वन लास्ट कैमरे पे बोल देंगे कि बेल्जियन वॉफल नहीं मिल पा रहे इसलिए मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा बेल्जियन वॉफल. सो वन लास्ट, ऑल द नॉट सो नॉट अ क्वेश्चन, सबसे पूछता हूँ मैं, क्या बोलना चाहोगे मेरे बारे में? सच बोल दो, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी. आप ऐसे भी नहीं कह सकते कुछ भी. हाँ, मैं नहीं कह सकता, ऑफ कोर्स. ठीक है, तो ये हमारे सीनियर है, इमीडिएट सीनियर है हमारे. आई एम इन द फर्स्ट ईयर, ही इज इन द सेकंड ईयर. ठीक है, मेरे घर वाले भी देखेंगे, उनको भी इंट्रोड्यूस करवाना है. ठीक है, ठीक है, करो. ठीक है, तो वी मेट व्हेन आई वेंट टू प्ले बैडमिंटन ऑन लाइक द फर्स्ट वीक दैट आई वाज हियर. 4th ऑफ जुलाई, 3rd ऑफ जुलाई, 3rd, चलो 3rd, 3rd ऑफ जुलाई. ठीक है, and you're nice.
आई बिलीव गुड आई गिव यू गुड रिव्यूज 5 stars 5 नहीं 4 stars नखरे बहुत करते हो एक काट लिया ठीक है नखरे बहुत करते हो उसका देखो मार्क्स काटने पड़ेंगे बट लाइक यू आर वेरी हेल्पफुल और हम आपसे दुनिया भर के बकवास डाउट्स पूछ रहे होते हैं पूरे पूरे दिन ठीक है ना हमने शायद ये भी पूछा हुआ है इनसे कि वाटर कूलर कहाँ पे है ये कहाँ पे मिलेगा इस तरीके से ठीक है तो आप बता देते हो एक बार तो आप पानी भी भर के लेके आए थे हमारे लिए ठीक है तो ओह माय गॉड 3 flash जल गए मोबाइल के मेरा मोबाइल भी ऑन हो गया आगे बढ़ो ठीक है तो यू आर रियली नाइस एंड बाकी चल थोड़े ज्यादा हो एकेडमिक लाइफ को लेके ठीक है आपकी फिलॉसफी मैं नहीं फॉलो कर पाऊंगी ठीक है कॉलेज लाइफ में ठीक है ये जो पेपर हो जाएंगे और तुम्हारे तो नंबर आ ही जाएंगे ऐसे से मेरा नहीं चल पाएगा ना तो नहीं पढ़ोगे तो आएंगे वो बोल रहा हूँ पढ़ोगे कभी नहीं बोला पढ़ोगे तो आएंगे नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आएंगे ऑफ कोर्स नहीं आएंगे नहीं पढ़ोगे तो ठीक है तो हाँ 4 stars मिल तो गए इससे ज्यादा कैसे मिल सकते हैं बुक्स को नहीं देती मैं 5 stars ठीक है कोई बात नहीं ठीक है आप भी बताओ किसके बारे में तुम्हारे बारे में यार मैं क्या बोलूं भाई बहुत यार यशिका यार बहुत स्वीट हो भाई हाँ यशिका भाई कैमरा और ऊपर चले गए हैं कोई बात नहीं बहुत स्वीट हो मैं कुछ मदद मांगता हूँ अगर मुझे कुछ जरूरत होती है जैसे लाइक कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं कुछ पूछने के लिए मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ मना तो कभी नहीं करती ऑफ कोर्स मैंने ट्रांसफर कर भी दिए 2-3 न्यू बैच के एक न्यू आपके कॉल आ रही है आई टॉक टू हर या वैकेंसी सारी ठीक है तो यार मैं तो 5 star दूंगा मैं बहुत बार कुछ कुछ कह दूंगा सॉरी माफ कर देना कई बार रो भी दिया कुछ चीजों के लेकिन मैं रो देता हूँ क्योंकि तो यार बहुत अच्छी हूँ आई बिलीव नहीं मैं हूँ अच्छी तुम हो अच्छी ठीक है तो भाई इतना ही है और उम्मीद है सेशन तुम्हें भी पसंद आया होगा मुझे तो आता ही है क्योंकि मेरा तो काम ही है ये तो दोस्तों उम्मीद है क्लैट को लेकर आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बिलो और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आई विल बी देयर फॉर यू और कोई दिक्कत मेरा इंस्टा पे छोड़ दो दोस्तों बाय बाय मिलेंगे अगले एपिसोड में टाटा कैमरामैन भाई कैमरामैन एक और बार जो कैमरामैन है मैं उसका बता देना चाहता हूँ यशिका आगे कमल वंशी सॉरी माय बैड मैं भूल गया सॉरी तो भाई कैमरामैन मेरा बहुत बढ़िया आपने जो अगर मिडनाइट वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें कौन कैमरा लेके घूम रहा है आपको पता चल गया होगा उसमें मैंने लास्ट में आपको शो भी किया था वो कौन है ठीक है तो भाई कैमरामैन तो बहुत बढ़िया है थंबनेल बहुत बढ़िया बन रहा है इसका भी उम्मीद है थंबनेल बनेंगे तब तो व्यू आएंगे सो दोस्तों कैमरामैन को एक बार बहुत 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 धन्यवाद कैमरामैन 10 star हम 5 की रेटिंग पे रहते हैं तो 5 star ऑफ कोर्स तो बहुत बढ़िया है बेल्जियन वॉफल तुम्हें मिल जाएगा चिंता मत करो और समय के साथ मेरा भी इंक्रीमेंट होगा तो आपका भी इंक्रीमेंट होगा आपको भी कुछ कुछ चीजें मिलती रहेंगी और बाकी सबको बता दें हम व्लॉग्स पे आते रहेंगे ठीक है चलो भाई अभी व्लॉग्स पे आते रहेंगे ये भी आती रहेंगी और भी दोस्त हैं प्रिंसी सैम समृद्धि और इनके बैच के बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट मैं जितना को कवर कर सकूंगा अच्छा बैच है हमारा अच्छा बैच बहुत अच्छा बैच है अच्छा बैच अच्छा बैच है ठीक है भाई एक बार आउटरो दे दो क्या देते टाटा बाय बाय करना है और कुछ नहीं करना है बाय लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू